प्रदेश के सभी जिलों में आज पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं मथुरा में पुलिस भर्ती को लेकर जिला प्रशासन ने 15 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नकल विहीन परीक्षा दो पारियों में कराई जा रही है। दो पारियों में हो रही परीक्षा को लेकर खुद एसएसपी और जिलाधिकारी परीक्षा केंद्रों पर जायजा लेने पहुंचे। मथुरा जिले में दो दिन होने वाली परीक्षा में 44,000 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। मथुरा में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में जोश कम होने का नाम नहीं है। दूर दराज से हजारों की संख्या में युवा पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। दो दिनों तक होने वाली परीक्षा आज सुबह 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई। जिले में परीक्षा केंद्रों को 3 जोन और 15 सेंटरों में बांटा गया है। सभी केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं बाहरी जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराई जा रही है। जिले में 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। बिल्कुल फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था है और सारे इंतज़ाम किए गए हैं। जो भी बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी का अनुपालन कराया जा रहा है और पूरी परीक्षा एक अंडर सर्विलांस है, सर्विलांस रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम बना हुआ है सभी सेंटर्स पे, वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस क्लास में क्या चल रहा है। तो अच्छे से सारा एग्ज़ाम हो रहा है। मुझे लगता है कि जो आगे अभी 3 चरण और इसके बचे रहेंगे इसके बाद, उसमें भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रहे और सकुशल ये परीक्षा संपन्न। नहीं, ये हेडक्वार्टर से इसका निर्णय होता है, ये मेरे स्तर से नहीं है। निश्चित रूप से जो पूरा पुलिस का सिस्टम है वो सब कुछ इसमें काम कर रहा है। इंटेलिजेंस से लेकर के सारी सूचना इकट्ठा की जा रही है ताकि कहीं भी परीक्षा की सूचिता पर कोई सवाल ना पैदा हो। धन्यवाद। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं।